नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 3 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। 135 भारतीय शांति सैनिक दक्षिणी सूडान में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल से हुए सम्मानित। दक्षिणी सूडान के यूएन मिशन ने इन सैनिकों को मेडल दिए जाने की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। वहीं पीस कीपिंग मिशन के फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैलेस टिनाइकर ने सम्मानित हुए सभी अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में रियायतों के साथ 22 जून तक बढ़ा कोविड-19 कर्फ्यू। 4 धाम यात्रा की मिली अनुमति। वहीं शादियों और अंतिम संस्कार में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे, जबकि मिठाई को छोड़कर अन्य दुकानें 3 दिन खुल सकेंगी। 16 जून से फिर से आम लोगों के लिए खुलेंगे ASI के तहत आने वाले देश के सभी स्मारक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, पर्यटक कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का स्मरण कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। शोध में हुआ खुलासा, 98% लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रही टीके की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चंडीगढ़ PGI के इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉरपोरेट अस्पतालों से भी शोध करने को कहा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना हुई जारी। 15 जून से 3 जुलाई के बीच चुनाव कराने पर सरकार का निर्णय। चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा जारी। 12वीं के बच्चों के लिए जरूरी खबर, इंटर पास करने वाले 27 लाख बच्चे अगर नंबर से खुश नहीं होंगे तो उन्हें मिड टर्म एग्जाम का मौका मिलेगा। ताकि नंबर बेहतर कर सकें, यूपी सरकार तलाश रही है फार्मूले। यूपी में योगी कैबिनेट के अहम फैसले, अयोध्या में 400 करोड़ का बनेगा बस अड्डा और 1.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर को मंजूरी। गोमती को बचाने के लिए लखनऊ में 297 करोड़ का बनेगा STP। राजस्थान में अशोक गहलोत का सियासी क्वारंटाइन। पायलट खेमे की नाराजगी के बीच गहलोत का मुलाकातों बैठकों से इनकार, केवल वर्चुअल बैठक करेंगे, टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। अब नाटो ने चीन को बताया गंभीर चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी। उल्लेखनीय है कि नाटो में 30 देश शामिल हैं, जिनमें लगभग सभी यूरोपीय देश हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।